ये देखिए दोस्तों, अभी चूल्हा का पूजा की थी भाभी, और उसके बाद मम्मी अभी आँच जोड़ रही है। तो इसमें ना किरासन तेल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा का इसमें भोजन बनाना है, तो कपूर से इसमें हम इस पर आँच जलाएंगे। कपूर से जल्दी हो जाता है, तुरंत जल जाता है। ये देखिए दोस्तों, खरना की तैयारी हो गई है, और ये देखिए मम्मी इधर कैसी लग रही है बताइए। ये देखिए ये साड़ी कितना सुंदर लग रहा है, ये बिल्कुल न्यू साड़ी है पहनी है, जो इसी पे पूजा होगा छठ पूजा। अभी खरना का पूजा करेगी, उसके बाद फिर इसको निकाल कर रख देगी, फिर जब कल शाम का जब अर्घ देगी तो फिर उस टाइम पहनेगी। और ये देखिए दूध उबल रहा है, इसमें कितना दूध है मम्मी? 5 किलो। 5 केजी दूध है। अभी जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मम्मी इसमें फिर चावल डालेगी। और ये देखिए मैं इधर इलायची निकाल ली हूँ और इसका पाउडर बना रही हूँ, और नारियल भी हम लोग ये कर लिए हैं, घिस लिए हैं, मैं इसके इसमें रख ली हूँ। और बस तैयारी शुरू हो गई है, और जब मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए मम्मी चावल निकाल रही है, पाँच केजी दूध में कितना चावल रखेंगे? 500 ग्राम। क्या है? नारियल। नारियल है, ठीक है, रखिए। दूध में पानी डालने से खूब खचखच होता है नारियल। ये साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है मम्मी के ऊपर। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, साड़ी कैसा लग रहा है, और कहाँ कहाँ आप लोग किस किस के घर में ये छठ का पूजा हो रहा है। तो अभी दूध बॉईल हो रहा है, और जब बॉईल हो जाएगा तो फिर चावल रखाएगा धोकर। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग काजू को भी इसमें एक अच्छे से कूट लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है जब काजू, तो इस सबको हम लोग हल्का हल्का दरदरा कर लेंगे इसमें। दूध उबल गया है, तो इसमें देखिए चावल रख रही है मम्मी धोकर, और ये देखिए आर्यन इधर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है आर्यन? नानी आज नानी क्या कर रही है बताओ? आज नानी पूजा कर रही है। किस चीज का पूजा कर रही? छठ पूजा। और तुम कुछ छूना नहीं प्रसाद, ठीक है? जो केला रखा है उसको छूना मत, झूठा हाथ। आज होगा, सिर्फ 4 दिन का पर्व है। आज बनेगा ना तो खीर और रोटी, इस पे देखना नानी बनाएगी, तो उसका पूजा करेगी, और फिर हम लोग भी खाएंगे बाद में। खीर पूरी पूरी नहीं बनेगा, रोटी बनता है। और फिर कल बनेगा खस्ता, और कल देखना नानी फिर पूजा करेगी, बहुत सारा उसमें सामान रहेगा, फल रहेगा। और फिर परसों सुबह पूजा करेगी, उसके बाद फिर तुमको प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, ठीक है? बहुत दिन के बाद नहीं, कल के बाद, परसों। और आपको पता है दोस्तों, इस पर सिर्फ आम की लकड़ी से ही इसको बनाते हैं। आज के दिन आम का लकड़ी के साथ ही, मतलब जलावन में उपयोग किया जाता है ये प्रसाद बनाने में। तो जब तक खीर बनता है, खीर बन जाएगा, उसके बाद फिर मम्मी आटा गूंदेगी, इस पर फिर रोटी बनाएगी, फिर पूजा करेगी। मैं आपको फिर दिखाऊँगी। सब्जी उधर बनेगा ना, दूसरे किचन में बनेगा। मामी बनाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और वीडियो की स्टार्टिंग में कर दी थी, और जिसमें मैं आपको दिखाई हूँ कि मम्मी प्रसाद बना रही है। और ये देखिए, मैं सब बैठ कर कद्दूकस कर रही थी, ये सभी मैं कर ली हूँ इसमें रखने के लिए। ये देखिए
किशमिश है और ये है काजू। काजू का ना काजू ऐसे अच्छा नहीं लगता है जब मुंह पे पड़ता है तो उसका भी मैं ऐसे पाउडर बना दी हूँ और दरदरा पाउडर बना दी हूँ। और ये इलायची पाउडर है और नारियल का तो हम लोग टुकड़ा काट कर कर पतला पतला उसमें पहले ही रख दिए थे। और बस मम्मी बना रही है और बैठ कर मम्मी से बात कर रही हूँ, देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, साल में तो एक बार ये त्यौहार आता है और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और ये देखिए मम्मी भी बना ही रही है, इधर ये देखिए। और ये सब जगह हम लोग सुबह में धोए थे इधर। और इस तरफ ना रेंटर हमारे रहती है वो, और वो अभी गांव गई हुई है तो अभी इधर कोई नहीं है, तो हम लोग यहीं पे बना रहे हैं इस तरफ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये देखिए मम्मी अब आटा गूंध रही है। और पता है आपको ये आटा जो है मतलब इसको नहा खा के दिन गेहूं को धोते हैं और अपने सामने इसको बैठकर सुखाते हैं, क्योंकि इसे कोई भी पक्षी भी इसे जूठा नहीं करे। और तो इसको अपने सामने सुखाते हैं और वही ये गेहूं है। फिर कल परसों ही धोए थे हम लोग, परसों नहा खा के दिन पहले ही धो लिए थे और कल इसको मिल पर पिसवाए हैं। तो जहाँ पे पिसाया जाता है वहाँ भी अच्छे से पूजा के नाम पे वो अच्छे से मिल को पहले धोकर धोते हैं, उसके बाद पूजा का जो आटा होता है फिर वो पीसते हैं। तो सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है इस पूजा में। तो मम्मी आटा गूंद रही है और इधर इधर अभी ये देखिए खीर बन रहा है। और ये देखिए ये कौन सा बर्तन है मम्मी? पीतल का ये पीतल का बर्तन ही बर्तन में छठ किया जाता है। पीतल के बर्तन में ही पूजा होता है, बर्तन शुद्ध होता है, ये पूजा पाठ में इसे यूज करते हैं। और ये मम्मी का शादी का ये है ना मम्मी? शादी का है मेरा। पीतल का बर्तन शादी में दिया जाता है ना, एक चौका का। हाँ, तिलक पर चढ़ाया जाता है। तो ये हम लोग को ही मम्मी दी थी, हम लोग का भी ससुराल में है, सब लोग को दी थी हम बहन लोग को। और ये मम्मी के शादी का ही है। और ये देखिए, और ये जो आटा भी गूंध रही है वो भी पीतल का ही है। तो चलिए आटा गूंध लेती है मम्मी, फिर देखते हैं खीर कब तक बनता है। खीर बन जाए फिर उसके बाद आगे का काम होगा। हर साल मम्मी चीनी वाले बनाती थी लेकिन इस बार गुड़ का बनाएगी। तो कितना गुड़ है मम्मी ये? 300 ग्राम। 300 ग्राम मतलब 1 किलो, सॉरी 5 केजी दूध। और उसमें चावल कितना रखे? 500 ग्राम। 500 ग्राम चावल। और गुड़ कितना बोली? 300 ग्राम। तो इसको अभी इस पर गर्म कर रहे हैं। जब पूरा अच्छा से गल जाएगा ना तो फिर इसको हम चावल में डाल देंगे, खीर में डाल देंगे इसको। और हमारा खीर अब लगभग तैयार हो चुका है, जब बस इसको पिघलने की देरी है तब पिघल जाएगा, बस खीर हमारा रेडी हो जाएगा। और इधर देखिए मम्मी आटा भी गूंध कर रेडी कर चुकी है, बस अब रोटी बनाना बाकी है। इधर देखिए हर्षित भी अब आके देख रहा है नानी का पूजा कैसे नानी करेगी। सो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं पूजा में और ख़ास कर छठ पूजा में। लेकिन इस बार हम लोग घाट पे नहीं जाएंगे, घर में ही करेंगे, क्योंकि इस बार घाट का जो स्थिति है काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, पूरा दलदला वहाँ पे ज़मीन हो गया है। तो बहुत लोग इस बार मतलब अधिकतर लोग सब लोग घर पे ही कर रहे हैं छठ का पूजा। तो हम लोग भी इस बार पहली बार मम्मी घर पर ही करेगी, वरना हर साल जाती थी, बस इस साल नहीं जाएगी क्योंकि बारिश बहुत हुआ ना, जिस वजह से ठीक नहीं है वहाँ घाट पे। तो चलिए दोस्तों फिर इसको पूरा भी पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो खोल गया ना मी? बहुत अच्छा खोल गया, अब सोना हो जाएगा खीर। तो अभी और होगा कि उतार देंगे? हो गया। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये जो गुड़ है काफ़ी अच्छे से पिघल चुका है।
चूल्हा का लंबाई अब तो कुछ नहीं बनेगा ना मम्मी, अब और भी कुछ बनेगा? नहीं, खाली रोटी ही बनेगा। अच्छा, तो बस रोटी बन जाएगी, इतना आटा है, थोड़ा 10 मिनट लग जाएगा बनाने में।